स्वागत बंधन। आज हम नवम कक्षाया और दशम कक्षाए के अंतर्गत जो व्याकरण विधि है, जो पाठ दिया है व्याकरण विधि के अंतर्गत व्याकरण का, आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अव्यय, ये सप्तम अध्याय है। अब ध्यान से समझें, अव्यय क्या है। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। सादृश्यं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न येति तद् अव्ययम् अव्ययम्। जैसे ये दिया है अव्यय और अव्यय के ये अर्थ समझे। अचिरं अर्थात शीघ्री, यावत् जब तक, तावत् तब तक, सहसा अचानक, श्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, शनय शनय अर्थात धीरे धीरे, संप्रति सांप्रतम अधुना इदानी, यानी यो जितने भी ये शब्द हैं उन सबका अर्थ होता है इस समय। ठीक, अत्र यहाँ, अत्यंतम बहुत, फिर है अथ आरंभ है, इसके बाद अलम निषेधात्मक योग तृतीय प्राप्ति, पर्याप्त समर्थ योग चतुर्थी प्राप्ति और आद्य माने होता है आर। तो ये थे अव्यय जिनका वाक्यों में प्रयोग होता है। इस प्रकार ये अव्यय और उनके आर। फिर है अथवा अर्थात या, अपि अर्थ भी, अन्यथा नहीं तो, अतः इसलिए, अति बहुत अधिक, आम हाँ, इतस्ततः इधर उधर, इति समाप्त या ऐसा, उच्चै यानी जोर जोर से ऊंचे, ए माने ही, एकदा एक बार, एवं कहते ना एवं, मैंने इस प्रकार या ऐसे, किम अर्थात क्या। किंतु परंतु लेकिन, कदा कब कुत कहां से, पुत्र क्वा या कुछ, तीनों के लिए क्या आएगा, कहां क्या और अभितः दोनों, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयतः दोनों ओर, चेत यदि, चिरं देर से या देर तक, तत्र वहां, इतः इधर से या यहां से, ततः उसके बाद या वहां से, और तथापि फिर भी, तदा या तदानी तब, तहि तर भी तो, और तू काफी तो आएगा, तावत तब तक, तूषणी चुप, दिवा दिन, ना नहीं, नीचै नीचे, नूनम निश्चय ही, नो चे नहीं तो, ये अर्थ है इसके। पुनः मैंने फिर से, फिर पुनः माने फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद में, और प्रभृति से लेकर से या लेकर, इस प्रकार से ये अव्यय और उसके अर्थ है। फिर है परंतु, किंतु लेकिन, पुरा पुराने समय में,
स्वयं, अपने आप, सहसा अचानक, स्म यथा यथि यथे, सर्वत्र सब जगह, अथ किम और क्या, तथा वैसे, परस्परम आपस में, वही बाहर। ये है अव्यव और उनके अर्थ। बहुधा अक्सर, बाढ़म हाँ, माँ नहीं, मुहुर्मुहु भूय वारं वारं तो बार बार, यत किम यत्र जहां, यदि अगर, यद्यपि अगर, यावत जब तक, यतः जहां से, यदा जब, वा या अथवा, बिना बिना। व्यथा व्यर्थ में, व्यर्थ क्षणे धीरे, सर्वदा सदा या सदैव, इन तीनों का द्वायगमन नित्य, ही यतः यतो ही क्योंकि, फिर है खलु निश्चय ही, ईशत थोड़ा ही, जातु कभी, धिक धिक्कार, नक्तम रात, प्रसह बलात्, नमः नमस्कार या प्रणाम, पुरा पुरस्तात् पुरतः यानी सामने। इस प्रकार ये अव्यव और उसके अर्थ हैं। अब आता है यहाँ पर वाक्येषु केषाञ्चित् अव्यवपदानां प्रयोगान् पश्य। जैसे दिया है कच्छप शनै शनै चलति, अचिरं गृहं गच्छ, अहम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि, हम रहे उत्सव आसी, ठीक है, सहसा निर्णय न करणीय, इदानीं अहम संस्कृतं पठामि, यद्यपि अद्य अवकाश अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्ता नास्मि, अत रामायण कथा आरभते, अत्र आगच्छत्, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कुत्र स्ततः भ्रमति, यत तत्र धूम तत्र तत् अग्नि, अधुना गर्भं न करणीयम्। अब आप देख रहे हैं जितने ये दिए हुए हैं है ना, सब क्या है अव्यव। ये मैंने अभी आपको बताया है। इस प्रकार से वाक्यों में जब बनाते हैं तो अव्यव का प्रयोग किया जाता है। नक्तम दधि न भुंजी, कक्षायां तुष्टिं तिष्ठ, पुरा अशोक राजा आसीत्, ये जो सब अव्यव जो उनका प्रयोग हुआ है। तव परस्परम आलकदा आदि प्रभृति, अहम धूमपान न करिष्यामि, शीघ्र कार्य तमाम, अन्यथा विलंबम भविष्यति, रथा कवम कब माकुरु, यदा अहम गमिष्यामि, अत्र आगमिष्यति। इस प्रकार से ईषत् हसित्वा सह तस्य उपहासं कृतवान्, अहम त्वां भूयो भूय नमामि, सः मुहुर्मुहुः किं पश्यति। अब यहाँ पर ये है कि यकार और तकार वाले जैसे कि कौन कौन से, यद्यपि तथापि यथा तथा यदि तरही यत्र तत्र यावत् तावत् यदा तदा इत्यादि अव्यवों का वाक्यों में प्रायशः एक साथ ही प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा जो वाक्य है अपूर्ण ही रहता है। जैसे यत्र तत्र यथा तथा यावत् तावत् यदा तदा है ना, ये सब इनका प्रयोग इसमें से ये बताया गया है कि जब भी इन अव्यवों का जो प्रयोग है एक साथ करना चाहिए, अन्यथा जो वाक्य वो कैसा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
समुचितय अव्यवय मंजुषा मंजुषा का ऋत्वा लिंगस्थानी पूर्ण्यता। आपको जो उचित अवयव है उनको लगा करके जो लिंग स्थान दिए हैं उनको आपको पूर्ण करना। साकार स्थान बनम गतवान तो क्या आएगा एकदा, क्या आएगा यहाँ पर एकदा। सहाय स्थान गच्छति तो क्या आएगा पुत्र गच्छति, ठीक है। गज खाली स्थान चलती तो कैसा चलता हाथी शनै शनै, ठीक है तो शनै शनै। फिर है सर खाली स्थान स्वपिति तो चिरम, क्या आएगा सा खाली स्थान स्वपिति तो आएगा चिरम। फिर है से खाली स्थान गरजती तो कैसे ऊंचे स्वर से गरजता ना तो आएगा उच्च ही। फिर सा खाली स्थान विजेष्यति तो क्या आएगा निम्नम। फिर परिश्रम करो खालिस्तान अनुत्तरी भविष्यसी अन्यथा, क्या आएगा अन्यथा। विहार खालिस्तान मागच्छ वही, विहार वही मागच्छ। फिर आएगा सह खालिस्तान माम उद्वेजति, क्या आएगा मुहुर मुहा मुहुर मुह। अब यहाँ पर आएगा कोलाहल खालिस्तान मा, क्या आएगा यहाँ पर मा। इस प्रकार से ये जो है रिक्त स्थान ये पूरे आपको लिखना है। अब यहाँ पर अधोलिप्तेषु वाक्येषु अव्यव पदम चित्वा लिखना, अव्यव इस वाक्य में जो अव्यव पद है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे दिया है यावत परीक्षा काल नायति तावत परिश्रम, तो क्या आएगा यहाँ पर यावत है और तावत। दूसरा है अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम तो क्या जाएगा सर्वदा। काला वृथा न यापनीयम, काला वृथा न यापनीयम तो क्या आएगा वृथा न। अहम संप्रति गृहं गन्तुम इच्छामि तो क्या आएगा यहाँ पे संप्रति। त्वं कुतः समायातः इसमें क्या आएगा अब यह कुतः। अहम स्वः ग्रामं गमिष्यसि तो क्या स्व। तौ परस्परं आल्पतः में क्या आएगा परस्परम। अद्य प्रभृति अहम धूमपान न करिष्यामि, अद्य प्रभृति अहम धूम तो क्या आएगा यहाँ पर अद्य प्रभृति। फिर दूसरा एक और क्या आएगा न, धनम बिना जीवनम वृथा भवति तो यहाँ पर क्या आएगा बिना और वृथा। अत रामायण कथा आरभ्यते तो क्या आएगा यहाँ पर अत। इस प्रकार से आप उत्तर दिए हुए हैं, आपको इनको कंप्लीट करना। कोष्ठकेभ्यः शुद्धम् अव्यवपदं चित्वा रिक्तस्थान पूर्यत। ये जो कोष्ठक में आपको दिए हुए हैं अव्यव पद इनको सही आपको इसमें क्या करना भरना। जैसे दिया है अहम खालिस्थान ब्रह्मान् गमिष्यामि तो क्या जाएगा स्व। त्वं कस्य खालिस्थान गच्छसि तो क्या आएगा उत्तम। विद्यालयं खालिस्थान उद्यानम् अस्ति तो परितः। यदा आगमिष्यति खालिस्थान अहम गमिष्यामि तो क्या जाएगा तदेव। परिश्रम करो खालिस्थान उत्तीर्ण भविष्यति तो क्या आएगा यदि हम परिश्रम कर अन्यथा अन्यथा। त्वं खालिस्थान कुत्र गच्छसि तो तुम खालिस्थान तो क्या आएगा यहाँ पर साम्प्रतम। यूयम खालिस्थान ध्याने पठत तो आएगा नूनम। श्यामा खालिस्थान पठति श्यामाना तो क्या जाएगा ए। छात्र पुस्तकम खालिस्थान न शोभन्ते तो बिना शोभा नहीं देते। यथा वासस्यपि खालिस्थान फलम प्राप्यस्यसि तो क्या आएगा तदा या तथा तो क्या आएगा तथा। आपके उत्तर दिए हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको अव्यव पढ़ाया, अव्यव क्या होता है अव्यव और उसके अर्थ समझाए, वाक्यों में प्रयोग बताया। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करें। धन्यवाद।